नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भीमा चित्रा पर। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं पंचायत भर्ती में एक नया फार्म जारी हुआ है। ये फार्म बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो बिल्कुल नया डेट आ चुका है, नई फार्म आ चुकी है, नया करेक्शन हो चुका है, तो सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं वो कौन सा फार्म है और क्या उसमें नई कुछ चेंजेस हुई हैं, क्या नया अपडेट हुआ है। तो बिल्कुल आपको एक चीज़ बता दें, अभी इसके बाद एक वीडियो और बनने वाली है जो मार्केट में आपका फार्म उपलब्ध है, यानी कि मार्केट में भी आपका फार्म आ चुका। आप लोग सबसे ज़्यादा कमेंट इस बात को लेकर करते हैं कि सर फार्म कहाँ पर मिलेगा, तो बिल्कुल फार्म तो अब आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जो फार्म अपडेट हुआ है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ से है, इसमें कुछ चीज़ें संशोधन हो चुकी हैं। तो चलिए देखते हैं वो नया फार्म क्या है और कैसे आपको फिल करना है। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले, पूरी इन्फॉर्मेशन देने से पहले, बस यही प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार हो भाई तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लगे हैं पूरी अपडेट आपको देने के लिए, यानी कि पंचायत भर्ती से लेकर कोई भी रोजगार इन्फॉर्मेशन हो आपको यहाँ पर अपडेट सबसे पहले देने की प्रयास करता हूँ और बेहतरीन ढंग से जो भी हो प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करता हूँ ताकि बातें आपको समझ में आए। और अगर आपकी बातें समझ में नहीं आती हैं तो आप अपनी बातें इस वीडियो पर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो फिलहाल चलिए मुद्दे की बात करते हैं और आपको वीडियो दिखाते हैं। पसंद आए तो ही लाइक करिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद हेतु आवेदन पत्र, जो नया आवेदन पत्र है वो जारी हो चुका है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो बिल्कुल ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, ये फॉर्म आपका कहां से डाउनलोड होगा फाइनली वीडियो के एंड तक मैं आपको ये भी बता दूंगा। तो वीडियो एंड तक वॉच करना ताकि आपको ये फॉर्म नया मिल जाए और इसमें आपके कुछ करेक्शन हुए हैं, संशोधन हुए हैं, वो कॉलम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए पूरा फॉर्म आपको फिल करने के लिए बताते हैं कैसे क्या करना है। तो भाई, हम आपके लिए इतनी तरह तरह का अपडेट लाते हैं, तो बस एक आपसे उम्मीद करते हैं कि एक लाइक कर दिए करिए भाई, और अगर आप चैनल पर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको हर प्रकार की अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पर आपको एक फोटोग्राफ लगाना है, यानी कि एक फ़ोटो लगाना है, और इसके बाद देख सकते हैं ये पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म है, और बिल्कुल यहाँ पर एक आपको नवीनतम फ़ोटो लगाना अपना स्वच्छ और साफ। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जनपद लिखना है, ठीक है, यहाँ पर अपना विकास खंड लिखना है, फिर आपका अपना नाम लिखना है, और इसके बाद अपने पिता का नाम लिखना है, फिर आपको यहाँ पर देख रहे हैं आपके माता का नाम, ठीक है। इसके बाद आपकी जन्मतिथि जो होगी, कह रहा है कि हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र के अनुसार, यानी कि आपके हाई स्कूल के जो अंक प्रमाण पत्र में जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वही आप फिल करिएगा, आधार कार्ड वाला ना फिल करिएगा, ठीक है, क्योंकि गलत होने पर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आप अपने हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र के अनुसार ही फॉर्म को भरिएगा। तो ये नया फॉर्म है, आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं वीडियो के एंड तक अभी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, इसके लिए आपको वीडियो के साथ बने रहने की ज़रूरत है। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हाई स्कूल की बात है पॉइंट वाली, अभी आपके कई कागज़ ऐसे जो भी फॉर्म आते हैं उनकी डाटा ही मांगी जाती है, और यहाँ पर दिया है कि आपकी 1 जुलाई को जो है एज पूरी होनी चाहिए, और एज के लिए भी आप लोगों ने बहुत कमेंट किया था, तो 18 वर्ष एज आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 18 एज अगर आपका हो चुका है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। महिला हैं, पुरुष हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी आपके मन में प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पर देखिए लिंग भी दिया है कि आप महिला हो, पुरुष हो या फिर अन्य हो, आप इसको भी फिल कर सकते हो बिना मतलब कोई दिक्कत के, ठीक है। इसके बाद आप किस कैटेगरी को हो, ओबीसी हो, पिछड़ा हो, ये फिल करना है। अस्थाई पता आपको भरना है, पत्र व्यवहार का पता भरना, देखिए दोनों का मतलब अलग होता है। अस्थाई पता ये होता है जैसे आप जहाँ पर रहते हो जिस पोस्टल एड्रेस पर, वो हो गया। पत्र व्यवहार का पता ये हो गया कि आप कहाँ इस समय प्रेजेंट में कहाँ रहते हो, वो आप फिल करना चाहते हो, ठीक है, तो आप भर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर वही फिल करिएगा जो आपका कंटिन्यू चलता हो। इसके बाद यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स है, ये देख सकते हैं आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना हाई स्कूल इंटरमीडिएट फिल करिएगा, और यहाँ पर आप कंप्यूटर का डिटेल्स भी दे सकते हैं, लेकिन फॉर्म में ऐसा कहीं मांगा नहीं गया। इसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे कार्य अनुभव का है, अगर आपके पास है कोई कार्य अनुभव तो आप उसको भी फिल कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास कितने समय का कार्य अनुभव है आप यहाँ पर आराम से फिल कर सकते हैं। ये हाई स्कूल का डिटेल्स हो गया, और यहाँ पर आप अपने विषय का सब्जेक्ट का नाम रखिएगा, ठीक है, और यहाँ पर आप आइए, देखिए लिखा गया है 12 नंबर के कॉलम पर कार्य अनुभव, ठीक है, कार्य अनुभव का जो आपका फॉर्म है इसको फिल करिएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं गाइस कोविड-19 से मृत जो व्यक्ति है, जो कोविड-19 की हमने बताया था आरक्षण आपको कैसे मिलने वाला है, इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मैंने प्रोवाइड की है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं।
ठीक है, मतलब आपके घर में अगर किसी की कोविड से आपकी दादी हुई, दादा हुए, किसी की बाय द वे मृत्यु हो चुकी है कोविड की वजह से, तो उसके बदले में आपको जो है वरीयता मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मृतक का नाम, जो मृतक होंगे अगर ऐसा कोई है तो उसका नाम आपको फिल करना है। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं आवेदक के मृतक का संबंध, मतलब आपका उनसे किस प्रकार से संबंध था ये आपको फिल करना है। उनकी तिथि कब थी, उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये सब डाटा रिपोर्ट करना है, यानी कि आपको फिल करना। अगर ऐसा नहीं है कोई तो आपको इस कॉलम को छोड़ देना, ठीक है, बिल्कुल इस कॉलम को छोड़ देना। ये थोड़ा सा नया आपका फॉर्म रिलीड हुआ है, संशोधन हुआ है इसमें बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए आपको बहुत सतर्कता से फिल करना है। तो ये फॉर्म था आपका। अब बात करते हैं आपके जो ये फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ से, तो बिल्कुल आप भीमा चित्रा चैनल पर जाइएगा, यानी कि टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इस फॉर्म को अपलोड कर रखा है। और बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पर ये फॉर्म अपलोड कर सकते हैं, और अच्छे से अपने जो है इसका प्रिंट आउट करा के, मैंने पीडीएफ में अपलोड किया है, इसका प्रिंट आउट करा के आप आराम से फॉर्म को देख सकते हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई बातें आपको समझ में नहीं आती हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और भाई अगर चैनल पर नए हो तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब से ये पंचायत भर्ती आई है तब से हम लोग लगे हुए हैं, जितनी भी अपडेट आती हैं आपको फटाफट अपडेट देने की कोशिश करते हैं। तो ये था आज का अपडेट, आपको कैसा लगा प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार, आप सभी सुखी और स्वस्थ रहें। इसी शुभ वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।